नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय सांसद नायब सैनी रैली में मौजूद रहे। सैनी ने रैली को वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची एवं श्रेष्ठम श्रद्धांजलि दी है। सांसद नायब सैनी और पार्टी जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर के नेतृत्व में सैकड़ों वर्करों ने सेक्टर 17 से लेकर रेलवे रोड, पुराना बस अड्डा और अंबेडकर चौक व विश्वकर्मा चौक तक पैदल मार्च निकाला। क्या बताएंगे, आज सीए पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्ष ने एक विशेष वर्ग को डराने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, मैं विपक्ष के उन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि इससे देश के किस व्यक्ति की नागरिकता जा रही है, देश को गुमराह किया जा रहा है। और आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक अभियान लिया है, 5 तारीख से लेकर के इसका शुभारंभ हुआ था और 12 तारीख तक ये लगभग देश के 3 करोड़ परिवारों के अंदर सीधा सीधा जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीएए के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे। हर बूथ के ऊपर लगभग 50 घरों के अंदर जाकर के लोगों से बात करके, उनसे मिल करके, कि इस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो धार्मिक आधार के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर वहां की सरकारों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, उनकी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहु बेटी की इज्जत बचाने के लिए भाग करके हिंदुस्तान में उन लोगों ने शरण लिया है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो धार्मिक आधार के ऊपर पीड़ित हुए हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ऐसे सब लोगों को नागरिकता देने के लिए ये कानून आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया है, ताकि हर व्यक्ति अपना सिर ऊंचा करके जी सके, सम्मान की जिंदगी जी सके। ये नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए नागरिकता देने का कानून बनाया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। इस कानून से ना तो राहुल गांधी की नागरिकता जा रही है, ना सोनिया गांधी की जा रही है, ना जो कांग्रेस के सहयोगी दल है उनकी जा रही है। इस कानून से, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक दुकानदारी जो चलती थी वो नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है, देश को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या बताएंगे, आज जागरूकता अभियान के तहत यात्रा निकल रहे हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से सीए के विरोध में कांग्रेस ने और वामपंथी पार्टियां और तमाम दूसरे राजनीतिक दल जो इस देश में अराजकता फैलाने का जो काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने इस सीएए का विरोध किया है, तो उसके समर्थन में भी और उसी प्रकार से सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं यहां हैं। तो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार से सोचा कि हम भी जो है डोर टू डोर जाकर और इस प्रकार से इस संपर्क अभियान चलाकर और इस सीए के समर्थन में हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, पंपलेट बांटेंगे और इस प्रकार से नारेबाजी करके, और जो वो विद्रोह की एक तरह से उन्होंने इस प्रकार का माहौल जो इस देश में बनाया है, ताकि इसके समर्थन में लोग आएं और लोगों को इसकी सच्चाई का पता लगे कि सीए जो है वो भारत में किसी की नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ के जो विदेशी जो पीड़ित जो लोग हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको बल्कि यहाँ सम्मानजनक जीवन जीने का जो मौका है वो आज इस सरकार ने दिया है। तो आज इसके समर्थन में अभी यहाँ 17 सेक्टर की मार्केट में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से एक प्रदर्शन के रूप में यहाँ से हम लोगों को जागरूक करते हुए चलेंगे।
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।